हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद वाईपी में। और आज फिर से आप लोगों के बीच एक बेहतरीन ट्रिकी अप्रोच लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वो तटीय सीमा पे राज्यों के नाम तथा कौन सबसे ज़्यादा तटीय सीमा लगाता है, कौन सा राज्य जून तथा कौन सबसे कम लगा रहा है, उस पर एक वीडियो है। दोस्तों, इनका नाम और मतलब पूर्वी तट पे कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिमी तट पे कौन कौन से राज्य हैं, एक ट्रिक से हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं एक डेली आप लोगों के लिए एक ट्रिकी वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप लोग नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों पर आधारित है। इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए आप लोग वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिए लास्ट तक। आप लोग अगर देख लेंगे और एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे कि भारत के कौन सा राज्य जो तटीय सीमा पे यानी तटीय सीमा से लगता है, तट से लगता है, कौन सा राज्य है। दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक से हम लोगों को याद करने की कोशिश करेंगे। ताऊ आप थे पूर्व में, क्या है? ताऊ आप थे पूर्व में लेकिन पश्चिम से केक गुम हो गया। क्या याद करेंगे? ताऊ आप थे पूर्व में लेकिन पश्चिम से केक हो गया गुम। जिसे किसी को बोला जाता है कि ताऊ आप पूर्व में थे लेकिन पश्चिम से कोई चोर आया, या फिर पश्चिम से केक क्या हो गया, गुम हो गया। तो इसका जब हम विश्लेषण करेंगे तो देखिए यहाँ पूर्व आ रहा है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे पूर्वी तटीय वाले राज्य, यानी पूर्वी तटीय वाले राज्य। दोस्तों, पूर्वी तटीय वाले राज्यों में चार राज्य आते हैं। देखिए, पहले हो जाएगा ता से हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो ये तीसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। कौन है? तमिलनाडु कैसा है? तीसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। कौन सा है? तमिलनाडु। उसके बाद ता के बाद आ जाएगा दोस्तों क्या, ता के बाद क्या हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा आपका उड़ीसा, ताऊ। ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और उसके बाद प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? ऊ से हो जाएगा उड़ीसा, आ से हो जाएगा आंध्र प्रदेश, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। और दोस्तों, हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो दूसरा आंध्र प्रदेश क्या है? दूसरा सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है। कैसा है? दूसरा सबसे लंबा तटीय सीमा वाला राज्य है। दोस्तों, एक किस साइड हो गए? ये पूर्वी तटीय सीमा वाले राज्य हैं, इधर के, इस साइड के, ईस्ट के। कहाँ के हैं? ये ईस्ट साइड के हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पे हो जाएगा आपका उड़ीसा, यहीं पे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ लास्ट पे आ जाएगा आपका क्या, तमिलनाडु। ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। उसके बाद दोस्तों आ जाता है कि पश्चिमी तट रेखा वाले राज्य यानी पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्यों के लिए केक हो गया गुम, ये ट्रिक ऊपर भी है दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर लिख लिए हैं, यहाँ पर रख दिए हैं, जैसे कि मतलब कि अच्छा लगे और याद हो जाए, केक हो गया गुम। दोस्तों, जब हम इसका विश्लेषण करेंगे, केस हो जाएगा आपका केरल, कस हो जाएगा कर्नाटक। फिर से ध्यान दीजिएगा, केस हो जाएगा केरल, कस हो जाएगा कर्नाटक, हो आपका साइलेंट है, गया हो जाएगा गोवा। दोस्तों, अगर गोवा की हम बात करें, इसकी बात करें दोस्तों, गोवा ये सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य है। गोवा कैसा है? सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य है। दोस्तों को इसको याद करने की भी कोशिश करेंगे तो इसको अगर याद करेंगे ट्रिक से हम लोग याद कर लेंगे, क्या है इसका नाम सबसे छोटा है, तो इसमें सबसे छोटा नाम है इसका, तो हम लोग याद कर लेंगे गोवा सबसे छोटा है, तो यह सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य भी है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद आपका क्या रहा है? गुजरात। गुम क्या आ गया आपका? केक हो गया, गया से हो जाएगा गोवा,
गु गु से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा महाराष्ट्र। गु गु से हो जाएगा गुजरात, म से हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों अगर गुजरात की बात करें तो ये सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है, यानी सबसे लंबा तटीय सीमा किसका है? गुजरात का है। दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। और दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए आपका तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर पे पूछ लिया जाए आपका, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। दोस्तों अगर पूर्वी तटीय वाले पे बात किया जाए, पूर्वी तटीय सीमा वाले राज्य कुल कितने हैं? चार राज्य हैं। अगर हम पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्यों पे बात करें तो सबसे मतलब कि पांच राज्य हैं। पश्चिमी तटीय सीमा वाले राज्य तटीय सीमा पे कितने हैं? पांच राज्य हैं। और पूर्वी तटीय सीमा पे कितने राज्य हैं? ये आपके चार राज्य हैं। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। और कुछ अगर गड़बड़ी हुई हो इसमें, कुछ अगर गड़बड़ी भी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट कीजिए। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को उसका सलूशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं डेली आप लोगों को एक ट्रिकी अप्रोच लेकर आता रहूँगा, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे जो एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया इंडिया लेवल पर, वो मतलब कि हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता रहेगा। तो दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोगों से अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।